उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड पार्ट है, और क्वेश्चन नंबर फोर्थ के थर्ड पार्ट की क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, आपको वही फाइंड करना है कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट इस तरीके का रिजल्ट। तो सबसे पहले फाइंड करने के लिए हमें रेशियो को फाइंड करना पड़ेगा, ए वाले, बी वाले और सी वाले। तो यहां पर ध्यान से देखो, जो ए वन है वो आपके पास ये वाला टू है, जो बी वन है वो आपके पास वाई के मल्टीप्लाई में लिखा हुआ वन है, और जो सी वन है वो आपके पास ये वाला माइनस का सिक्स है, जो ए टू है वो आपके पास ये फोर है, जो बी टू है वो ये वाला माइनस टू है, और जो सी टू है वो ये वाला माइनस का फोर है। क्या आपको बात समझ आ रही है? तीनों चीज दोनों रिजल्ट हमारे पास आ गया, ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू। आप अपने ए वन का रेशियो ए टू के साथ फाइंड करो, मतलब इस टू का रेशियो इस फोर के साथ फाइंड करो, तो टू वन जा टू, टू टू जा फोर, मतलब वन अपॉन टू आ गया। आप बी वन का रेशियो बी टू के साथ फाइंड करो, बी वन वन, बी टू आपके पास माइनस टू है। आप C1 का रेशियो C2 के साथ फाइंड करो, माइनस का 6 और वो माइनस का 4 है, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, मतलब 3 अपॉन 2 आ गया। तो A वाला रिजल्ट 1 अपॉन 2, B वाला नीचे माइनस नहीं आता ऊपर भेज दो, B वाला माइनस 1 अपॉन 2 और C वाला 3 अपॉन 2। आप देख सकते हो ये 1 अपॉन 2 है और ये माइनस का 1 अपॉन 2 है, मतलब एक प्लस और एक माइनस। तो पहले ही हमें क्या पता चल गया कि जो ए वन अपॉन ए टू है वो बी वन अपॉन बी टू के इक्वल नहीं है, सबसे पहले ही पता चल गया, क्योंकि ए वाला पोर्शन बी वाले पोर्शन के इक्वल नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसका ये मतलब है कि आपके पास ये यूनिक सॉल्यूशन वाला केस है, और यूनिक सॉल्यूशन वाला केस तो कंसिस्टेंट होता है ना, सबसे पहले वाला यही तो था कि उसके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कंसिस्टेंट है। इसका मतलब हमें इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं बाय ग्राफिकली मेथड। तो सबसे पहले क्या करोगे, अपनी फर्स्ट इक्वेशन को पकड़ लो। इक्वेशन फर्स्ट आपके सामने है 2x प्लस का y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। आप यहां पर सबसे पहले x की जगह 0 पुट करोगे, क्योंकि आपको पता है ग्राफिकली सॉल्यूशन के लिए एक बार x को 0 पुट करो और एक बार y को 0 पुट करो। तो आप x 0 पुट करने पर y का कोऑर्डिनेट, y 0 पुट करने पर x का कोऑर्डिनेट। तो अगर आपने यहां x 0 पुट किया तो ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा y माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, माइनस सिक्स उस तरफ आके प्लस हो गया तो y की वैल्यू 6 आ गई। अगली बार आप y इज इक्वल टू जीरो पुट कर दो, y जीरो पुट करने पर ये खत्म हो जाएगा, तो 2x माइनस का 6 इज इक्वल टू जीरो, माइनस सिक्स उस तरफ जाके प्लस, तो x आपके पास 2 वन जा 2, 2 3 जा 6 आ गया, मतलब x आपके पास यहां पर 3 आ गया। अगली बार इस वाली इक्वेशन को पकड़ो, फिर से वही काम करो, मतलब इक्वेशन नंबर जो सेकंड है वो आपके पास है 4x माइनस का 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। आप यहां पर x की जगह 0 पुट करो, x की जगह 0 पुट करने पर ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा माइनस का 2y माइनस 4 इधर आकर प्लस 4, माइनस 2 को 4 से करोगे तो माइनस का 2 आएगा, मतलब 2 2 जा 4, ये वाला माइनस वहां भेज दो, तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2 आ गई। अगली बार अपने y इज इक्वल टू 0 पुट करो, y 0 पुट करने पर ये खत्म हो जाएगा, तो 4x ये माइनस 4 इज इक्वल टू 0, माइनस 4 इधर आके प्लस हो गया तो 4x की इज इक्वल टू 4, 4 1 जा 4 होता है, तो x आपके पास 1 आ गया। ये हमने यहां पर अपना कार्टेशियन प्लेन बनाया, सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन पर x 3 है और y 6 है, जो x 3 होगा वो तो आपको यहां कहीं मिलेगा और जो y 6 होगा वो तो आपको 1 2 3 4 5 यहां कहीं ऊपर की तरफ आपको 6 मिलेगा y। दोनों के दोनों पॉइंट को क्या करा हमने, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन से, अपनी बिल्कुल एक सीधी स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। क्या आपको ये समझ आया? जबकि इस वाले सॉल्यूशन में x 1 है और y माइनस 2 है, तो x 1 तो यहां होता है और जो y होगा वो माइनस का 2 यहां नीचे मिलेगा। दोनों के दोनों पॉइंट को क्या करा, बिल्कुल सीधी एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। इन दोनों ने एक दूसरे को जहां भी टच करा वही आपके पास इसका सॉल्यूशन होगा। जैसे आप लोग यहां पर परपेंडिकुलर डालोगे तो ध्यान से देखना, ये वही फिर से ग्राफिकली मेथड है, तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए एक बार एक्स पे परपेंडिकुलर डालो और एक बार वाई पर परपेंडिकुलर डालो।
आप एक्स पर परपेंडिकुलर डालोगे वो यहां कहीं टच होगा, आप वाई पर डालोगे वो यहां पर कहीं टच करेगा। तो आपको ये, मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता दूं, मैंने रफली अभी सॉल्व करा हुआ है, तो मैं इसको जब हमने सॉल्व करा तो हमें ये पता चलेगा, आप देख भी सकते हैं हमारा एक्स थोड़ा थोड़ा एग्जैक्ट आ भी रहा है कि जब हमने परपेंडिकुलर डाला तो उसने एक्स को कहां पे टच करा, वन के बाद टू पे, और वाई पे जब परपेंडिकुलर डाला तो उसने कहां टच करा, वन के बाद टू पे। तो एक्स भी टू आ गया और वाई भी आपका टू आ गया, तो टू कॉमा टू इसका क्या हमारे पास है, इसका हमारे पास इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, क्योंकि जब हमने हमारा जहां इंटरसेक्टिंग पॉइंट था, दोनों ने एक दूसरे को जहां टच करा था वहां से x की तरफ परपेंडिकुलर डाला तो 2, y की तरफ परपेंडिकुलर डाला तो 2, तो x भी 2 आ गया और y भी हमारे पास 2 आ गया। तो ये इक्वेशन कंसिस्टेंट थी इसलिए हमने इसके सॉल्यूशन को फाइंड करा और वो हमारे पास 2, 2 आ गया। क्या ये आपको समझ आया? ओके। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ पार्ट है, आपके पास इक्वेशन है 2x - 2y - 2 = 0 और यहां पर है 4x - 4y - 5 = 0। ध्यान से समझना, वही काम करना है, सबसे पहले फाइंड करना है ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। अगर ये कंसिस्टेंट है तो इसके सॉल्यूशन को फाइंड करो बाय ग्राफिकली मेथड, अगर ये इनकंसिस्टेंट है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चेक करते हैं, सबसे पहले वही a1b1c1 a2b2c2। तो जो a1 है वो आपके पास x का कोऑर्डिनेट 2 आ गया, जो b1 है वो ये माइनस का 2 आ गया, जो c1 है वो भी ये माइनस का 2 आ गया, जो a2 है वो ये वाला 4 आ गया, जो b2 है वो ये वाला माइनस 4 आ गया, जो c2 है वो ये वाला माइनस 5 आ गया। क्या आपको ये समझ आ रहा है? अब उसके बाद हमें क्या करना है, a1 का रेशियो a2 के साथ, मतलब इस 2 का रेशियो फाइंड करो इस वाले 4 के साथ। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब 1 अपॉन 2 आ गया। आप b1 का रेशियो b2 के साथ फाइंड करो, मतलब माइनस 2 का रेशियो फाइंड करो माइनस के 4 के साथ, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब 1 अपॉन 2 आ गया। आप c1 का रेशियो c2 के साथ फाइंड करो, मतलब माइनस 2 का रेशियो फाइंड करो माइनस के 5 के साथ, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 अपॉन में 5 आ गया। अब a वाला पोर्शन भी 1 अपॉन 2, b वाला भी 1 अपॉन 2, लेकिन c वाला कुछ ना कुछ अलग है। कहने का ये मतलब है कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट वो इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के। a और b वाला पोर्शन तो इक्वल है लेकिन c वाला पोर्शन इक्वल नहीं है। इसका क्या मतलब है? ये थर्ड वाला सॉल्यूशन है, थर्ड वाला मतलब पॉइंट है जिसके पास हम लोग कहते थे नो सॉल्यूशन या फिर पैरेलल वाला। वहां पर यही तो होता था कि a और b वाला पोर्शन तो इक्वल आ जाता है लेकिन c वाला पोर्शन इक्वल होता नहीं है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन या फिर पैरेलल बोलो। और इसका मतलब अगर किसी इक्वेशन के पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट कहते हैं। क्या आपको बात समझ आ रही है? तो ये जो फोर्थ का फोर्थ है वो इनकंसिस्टेंट है, उसके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो बाय ग्राफिकली मेथड भी हम लोग इसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं करेंगे। क्या आपको ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी समझ आया? ओके। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फाइव है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। आपके पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है और आप क्या करिए, उसका पेरीमीटर निकालिए और पेरीमीटर का हाफ कर दीजिए। क्वेश्चन वाले ने कहा है हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। आप यहां पर क्या करिए, उसका पहले जो आपके पास गार्डन है उस गार्डन का पहले पेरीमीटर निकालिए और फिर उसका हाफ करिए। उसके बाद आगे कंडीशन दी है, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, जहां पर उसकी जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ से 4 मोर देन है, इज 36 मीटर, वो यहां पर 36 मीटर है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो बताओ गार्डन की डायमेंशन आपके पास क्या होगी? अब क्वेश्चन को ध्यान से समझो, आपके पास मैंने लेट करा कि ये यहां पर एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। रेक्टेंगुलर गार्डन के पास दो चीजें होती हैं, एक तो उसकी लेंथ होती है और एक उसकी यहां पर विड्थ होती है, जिसे हम लोग ब्रेथ भी कह सकते हैं। और आपको पता है पेरीमीटर का मतलब होता है उसकी बाउंड्री का सम, बाउंड्री मतलब एल एल बी बी, तो एल भी दो बार है और बी भी दो बार है। तो आपके सामने जो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का वो आपके पास होता है 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी।
लेकिन क्वेश्चन वाले ने कहा है हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। आप रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का जब हाफ करेंगे, मतलब टू टाइम्स ऑफ एल प्लस बी का जब हाफ करोगे तो आपको सिर्फ एल प्लस बी मिलेगा। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? तो ये जो पेरीमीटर का हाफ है वो क्वेश्चन वाले ने आपको गिवन दिया हुआ है कि वो 36 मीटर है। तो इसका मतलब जो ये एल प्लस बी है वो आपके पास यहाँ पर 36 के इक्वल है। उसकी लेंथ प्लस ब्रेथ कितनी आ गई? 36 आ गई। अब बीच वाली कंडीशन पर आ जाओ। क्वेश्चन ने लिखा हुआ है कि हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। मतलब उसकी लेंथ कब आएगी? जब आप उसकी विड्थ में, उसकी ब्रेथ में 4 को प्लस कर दोगे। मतलब जो आपके पास एल है वो एल आपको कब मिलेगा? जब आप उसकी ब्रेथ में 4 को प्लस कर दोगे। क्या ये भी आपको समझ आया? तो ये प्लस बी उस तरफ जाके आपका क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो एल माइनस बी आपके पास कितना आ गया? एल माइनस बी आपके पास 4 आ गया। और यहां पर एल प्लस बी आपके पास कितना आ गया? एल प्लस बी आपके पास 36 आ गया। अब दो इक्वेशन हमारे सामने बन चुकी हैं, हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। अच्छा, 3.2 में हमने जितने भी सॉल्यूशन फाइंड करे हैं वो ग्राफिकली मेथड था, तो हम एक काम करेंगे, इसके सॉल्यूशन को भी बाय ग्राफिकली मेथड ही फाइंड करेंगे। कि क्वेश्चन वाले ने देखो क्या पूछा हुआ है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। गार्डन के डायमेंशन का मतलब है आप उसकी लेंथ भी बताइए और आप उसकी यहां पर विड्थ भी बताइए, मतलब ब्रेथ भी बताइए क्या होगी। तो सबसे पहले मैं अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट को पकड़ूंगा, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट है एल प्लस बी इज इक्वल टू 36, एक एक करके दोनों को जीरो। अगर एल को जीरो पुट करा, सॉरी अगर एल जीरो पुट करा तो बी आपके पास 36 आ जाएगा, और अगर बी जीरो पुट करा तो एल आपके पास फिर से 36 आ जाएगा। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर एल माइनस बी आपका 4 है, आप देख सकते हैं। अगर एल को जीरो पुट करा तो माइनस बी इज इक्वल टू 4 आएगा, माइनस उधर चला गया तो बी की वैल्यू माइनस 4 आ गई। और अगली बार अगर बी को जीरो पुट किया, ये जीरो हो गया तो ये एल और ये वाला 4, मतलब एल आपके पास यहां पर 4 आ जाएगा। दोनों रिजल्ट आ चुके हैं, यहां पर अपना ग्राफ बनाइए कुछ इस तरीके से, बहुत ध्यान से समझिएगा। एल कितना है? 36। अब जो एल है उसका नाम मैं एक्स एक्सिस ले ले रहा हूं, भाई एल का नाम मैं यहां पर एक्स एक्सिस पे ले ले रहा हूं, और जो वाई है उसका नाम मैं यहां पर वाई एक्सिस पे ले ले रहा हूं। क्या आपको बात समझ आ रही है? तो जो एल है वो 36 है, तो 36 तो यहां बहुत कहीं पीछे की तरफ मिलेगा। क्या आपको ये समझ आ रहा है? जबकि जो बी है वो भी 36 है, मतलब वाई भी 36 है, तो वो भी कहीं यहां बहुत ऊपर की तरफ होगा। तो पहले में दोनों के दोनों पॉइंट आ चुके हैं, दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, आपके पास पहली वाली इक्वेशन का ग्राफ आ गया। सेकंड वाले पर आ जाओ, एल 4 है और बी माइनस 4 है, तो 4 तो यहां बहुत कहीं पहले मिलेगा, बी माइनस का 4 भी यहां कहीं मिलेगा। दोनों को बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करा, दोनों ने एक दूसरे को जहां भी कट करा वही आपके पास यहां पर सॉल्यूशन आएगा। अब आप इसे ग्राफ पेपर पे बना रहे हैं तो ग्राफ पेपर पे लाइनें होती हैं, तो आप चेक करो कि ये एक्स एक्सिस को कहां पे टच कर रहा है, और आप ये देखो जब आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये वाई एक्सिस को कहां पे टच कर रहा है। तो जब आप ग्राफ पेपर पे यहां से नीचे की तरफ एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसने एल को 20 पे कट करा, और जब आप वाई की तरफ परपेंडिकुलर डालेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसने 60 पे कट करा। तो जो लेंथ है वो आपके पास यहां पर 20 है, जो ब्रेथ है वो आपके पास यहां पर, ये वाला जो बी है वो आपके पास यहां पर 16 है, और यही हम यहां पे इसके डायमेंशन है कि लेंथ 20 और विड्थ जो है वो 16, और यही हमें यहां पर फाइंड करना था। तो क्या क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ आया? सबसे मेन क्वेश्चन में होता है कि वर्ड प्रॉब्लम को देखकर उसकी इक्वेशन को जनरेट करना। क्वेश्चन वाले ने कहा था हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 36 है, तो रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी, उसका हाफ करोगे तो सिर्फ एल प्लस बी, और वो 36 आ गया। बीच में कंडीशन दे दी कि लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, विड्थ में 4 प्लस करोगे, मतलब बी में 4 प्लस करोगे तो एल आ जाएगा, प्लस बी इस तरफ आके माइनस, तो एल माइनस बी 4, एल प्लस बी 36, दोनों को सॉल्व करा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। ओके, जबकि क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 6 वाले ने कहा है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन
2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास यहां पर लीनियर इक्वेशन दी हुई है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। आपको एक और दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल में ही, मतलब इसी तरीके से कुछ सच डेट, और वो इस तरीके से लिखनी है कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्मड इज इंटरसेक्टिंग लाइन, ताकि अगर आप उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो वो दोनों एक दूसरे को टच करें, इंटरसेक्टिंग मतलब। अब सबसे पहले एक एक करके तीनों करते हैं। आपके पास सबसे पहला पॉइंट है इंटरसेक्टिंग लाइन का। अब आपको पता है कोई लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग होती हैं तो उसका जो a1 अपॉन a2 होता है वो इक्वल नहीं होता b1 अपॉन b2 का, इंटरसेक्टिंग एट ए वन पॉइंट वाले का। तो एक इक्वेशन उसने दी हुई है, दूसरी इक्वेशन अपने मन से हमें इस तरीके से लिखनी है ताकि a वाला कोऑर्डिनेट b वाले कोऑर्डिनेट के इक्वल ना आ पाए। क्या आपको बात समझ आ रही है? जैसे देखो a का कोऑर्डिनेट 2 है, तो आप 2 को किसी ना किसी से डिवाइड करो, अपने मन से कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो अपने मन से। जैसे मैंने क्या लिखा, सबसे पहले 5x लिख दिया, आपको समझ आ रहा है? तो अब a1 अपॉन a2 कितना आ गया 2, और a2 कितना है 5, a1 2 a2 5, तो a1 अपॉन a2 आ गया 2 अपॉन में 5। b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं आना चाहिए, तो देखो 2 अपॉन 5 में कुछ ऐसा लिखना है ताकि रिजल्ट इक्वल ना आ पाए। जैसे देखो यहां पर y के पास क्या है 3, अपने मन से कुछ ऐसा लिखो ताकि सॉल्व करने पर वो 2 अपॉन 5 ना बन पाए। एग्जाम्पल के लिए मान लो 3 लिख दिया, सेम टू सेम 3y लिख दिया। क्या आपको बात समझ आ रही है? बाकी सब ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 8 लिखो 17 लिखो फिर से कुछ 0 लिख दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। C वाले को तो देखना ही नहीं है, सिर्फ A वाले को देखो, A1 और B1 वाला पोर्शन, A वाला और B वाला पोर्शन इक्वल है या फिर नहीं है। आप देख सकते हो A का 2 है, A1 2 है, A2 5 है, तो आपका 2 अपॉन 5 इक्वल नहीं है 3 और 3, 3 और 3 तो 1 हो जाएगा ना, जब 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1 मिल जाएगा, तो जो 2 अपॉन 5 है वो इक्वल नहीं है 1 के, यही हमें यहां पर फाइंड करना था। तो ऐसे जो मन में आता है, इनफाइनाइट मैनी लाइंस है आपके पास, आपके मन में जो आता है वो लिख दो, बस ध्यान क्या देना है कि रेशियो इक्वल ना हो पाए। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप यहां पर 2 का मल्टीपल 4x लिखते हो, तो यहां पर बस 3 का मल्टीपल 6x मत लिख देना, जैसे यहां पर 2 2 जा 4 लिखा है, तो यहां पर बस 3 2 जा 6 मत लिखना, कुछ भी लिख दो, 7 लिख दो प्लस 7y, ये माइनस 8 एज इट इज लिख दो, या कुछ और नंबर नया लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ध्यान देना कि जो 2 अपॉन 4 है, मतलब 2 1 जा 2 2 2 जा 4, वो इसके इक्वल ना हो पाए। देख सकते हो कि 2 अपॉन 4 37 के इक्वल है, कुछ भी लिख दो अपने मन से, बस इसका याद रखना कि वो इसके सॉल्यूशन को यहाँ पर मतलब कंडीशन को वेरीफाई कर रहा हूं। क्या आपको ये समझ आया? सेकंड वाला है आपका पैरेलल लाइन, दोनों लाइन एक दूसरे की पैरेलल है, और पैरेलल होने का ये मतलब है कि सॉल्यूशन वहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल तो है b1 अपॉन b2 के, बट वो इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के। तो फिर से देखो, बस दो चीजें ध्यान रखनी है कि a और b वाला पोर्शन इक्वल हो जाए लेकिन c वाला पोर्शन इक्वल ना हो। तो एक छोटा सा काम करो, कुछ देखो, या तो सेम टू सेम ऐसे ही कॉपी कर लो, 2 का मल्टीप्लाई करके कॉपी कर लो, 3 का मल्टीप्लाई करके कॉपी कर लो, कुछ भी लिख लो। जैसे मान लो मैंने सेम कॉपी करा, तो यहाँ पे 2x और 3y को तो एज इट इज कॉपी कर लिया, बस c वाले पोर्शन को अलग करना है, क्योंकि उसने कहा है ये इक्वल नहीं होना चाहिए, c वाले पोर्शन को अलग करना है। यहां माइनस 8 है, कुछ भी लिख दो, मान लो माइनस का 19 और इज इक्वल टू 0। देख सकते हो 2 2 2 से 2 कैंसिल होगा 1, 3 3 3 से 3 कैंसिल होगा 1, यहां माइनस 8 यहां माइनस 19, c वाला इक्वल नहीं है, और b वाला तो इक्वल है लेकिन c वाला इक्वल नहीं है। और कुछ लिख दो, मान लो 2 से मल्टीप्लाई करा, तो 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6y, लेकिन c वाले में नहीं करना क्योंकि c को अलग छोड़ना है, तो यही रहने दो, माइनस का 10 इज इक्वल टू 0 ये लिख दो। आप देख सकते हो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 1 अपॉन 2, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 1 अपॉन 2, माइनस का 8 और माइनस का 10 लिखा हुआ है, तो 8 और 10 का रेशियो तो 4 अपॉन 5 होता है ना, 1 अपॉन 2 तो नहीं आया, तो आपके पास रिजल्ट आ गया। कुछ भी लिख दो आपके पास वही आंसर है। जबकि थर्ड वाले में आप देख सकते हो आपके पास लिखा हुआ है यहां पर
कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट का मतलब वो दोनों इनफाइनाइट है, बिल्कुल एक का मल्टीपल दूसरा है, जो ए वन अपॉन ए टू है वो बी वन अपॉन बी टू के इक्वल है और वही आपका सी वन अपॉन सी टू के इक्वल है, तीनों रिजल्ट आपस में इक्वल है। तो बिल्कुल सेम इसी का मल्टीपल वो लिख दो, जैसे मान लो टू की मल्टीप्लाई कर दो या माइनस वन की कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स, ये हो जाएगा माइनस थ्री वाई, ये माइनस माइनस प्लस एट इज इक्वल टू जीरो, ये भी आंसर है। टू की मल्टीप्लाई कर दो, टू टू जा फोर एक्स, टू थ्री जा सिक्स वाई, टू एट जा सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो, ये भी आंसर है। कुछ भी लिख दो बस उसका मल्टीपल होना चाहिए, देख सकते हो टू वन जा टू, टू टू जा फोर, वन अपॉन टू, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, वन अपॉन टू, एट वन जा एट, एट टू जा सिक्सटीन, वन अपॉन टू। बस याद रखना है कि उसका ए वाला पोर्शन, बी वाला पोर्शन और सी वाला पोर्शन तीनों आपस में इक्वल हो जाए, बस इसका ध्यान रखना है। बाकी इक्वेशन में तो कुछ भी बना दो, इनफाइनाइट मैंने आपके पास इक्वेशन है, एक लिख दो उठा के, वही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स आपको समझ आया, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर सेवन है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। आपके सामने दो इक्वेशन है, एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो और 3x plus 2y minus 12 is equal to 0, ये दोनों इक्वेशन है। आपको क्या करना है, इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड द x-एक्सिस। इन दोनों लाइनों ने मिलकर और x-एक्सिस ने मिलकर जो भी ट्रायंगल बनाया होगा उसके वर्टिसेस को यहां पर डिटरमाइन का मतलब फाइंड करना है, एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन, और दोनों के ट्रायंगुलर रीजन को मतलब ट्रायंगुलर जो क्षेत्र बनेगा, एरिया बनेगा, उसको शेड करना है। तो सिंपल है क्वेश्चन, आपके सामने दो इक्वेशन है, पहले आप इसका ग्राफ बनाओ, बाकी बातें बाद में करेंगे। ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है एक बार एक्स जीरो एक बार वाई जीरो, वही वाली बात होगी। तो अगर आपने यहां पर एक्स जीरो पुट करा तो आपके पास ये जीरो हो गया, क्या बचा, माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, प्लस वन उस तरफ जाके माइनस हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई आपके पास वन आ गया। अगली बार वाई जीरो पुट करा तो ये जीरो हो गया, क्या बचा एक्स, ये वाला प्लस वन और इज इक्वल टू जीरो, ये प्लस वन उस तरफ आके माइनस हो गया, तो एक्स की वैल्यू माइनस वन आ गई। सेम वही काम यहां करो, आपके पास इक्वेशन है थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो, एक बार एक्स को जीरो पुट कर दो, ये जीरो हो गया तो क्या बचा, ये वाला टू वाई, ये माइनस ट्वेल्व उस तरफ जाके प्लस ट्वेल्व, टू सिक्स या ट्वेल्व होता है, तो वाई की वैल्यू सिक्स आ गई। अगली बार वाई जीरो पुट करा तो ये खत्म हो गया, यहां बचा थ्री एक्स, यहां बचा माइनस ट्वेल्व और इज इक्वल टू आपका जीरो, माइनस ट्वेल्व उस तरफ जाके प्लस हो गया तो थ्री एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व, थ्री फोर जा ट्वेल्व होता है, एक्स आपके पास फोर आ गया। क्या ये भी आपको समझ आया, सारे कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, अपने कार्टेशियन प्लेन पर उठा के इन कोऑर्डिनेट को फिल कर दो। जैसे ध्यान से सुनो, यहां पर एक्स माइनस वन है और वाई वन है, तो जो एक्स माइनस वन होता है वो यहाँ लेफ्ट में कहीं मिलेगा यहां पर, और जो वाई वन होता है वो आपको यहाँ इधर मिलेगा। बात समझ आ रही है, दोनों के दोनों पॉइंट को बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन से क्या कर दिया, जॉइन कर दिया। सेम वही काम यहां करो, x कितना है 4 और y कितना है 6, तो जो x 4 है वो तो यहां कहीं मिलेगा और जो y 6 है वो यहां कहीं मिलेगा। दोनों के दोनों को बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन से जॉइन करा, दोनों ने एक दूसरे को यहां टच करा। सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करोगे, क्योंकि देखो ग्राफ आपने बना दिया, अब आप उसने क्वेश्चन वाले ने कहा था कि डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन एंड द एक्स एक्सिस। इन दोनों लाइन ने मिलकर, इस लाइन ने और इस लाइन ने मिलकर जो भी यहां पर ट्रायंगल बनाया और एक्स एक्सिस ने मिलकर जो भी यहां पर ट्रायंगल बनाया, तो छोटी सी बात सोचो, ये एक्स एक्सिस, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, तो ये आपके पास वो ट्रायंगल है जिसकी क्वेश्चन वाला बात कर रहा है। क्या आपको ये समझ आया, तो इस ट्रायंगल के वर्टिसेस लिखने हैं। अब एक छोटी सी बात, ट्रायंगल के पास तीन पॉइंट होते हैं, ये वाला और एक यहां पर ये वाला पॉइंट आया। आपको पता है एक्स वाले एक्सिस पे वाई जीरो होता है, तो अगर ये एक्स का कोऑर्डिनेट माइनस वन है,
मतलब पॉइंट माइनस वन है तो इसका कोऑर्डिनेट होगा माइनस वन कॉमा जीरो। अगर ये x का पॉइंट फोर है तो इसका कोऑर्डिनेट होगा फोर कॉमा जीरो। लेकिन अगर आप यहां पर इसकी बात करेंगे तो इसकी बात के लिए आप लोग एक काम करिए, वीडियो को एक मिनट के लिए पॉज करके सॉल्व करिए, क्योंकि आप लोग ग्राफ पेपर पे रिजल्ट बना रहे हैं। तो देखिए इसने x को कहां टच करा और इसने y को कहां टच करा, तो आपको ये पता चलेगा कि इसने जो x एक्सिस है, आप लोग अपने ग्राफ पेपर पे देखिए, इसने x एक्सिस को 2 पे टच करा और y एक्सिस को यहां पर 3 पे टच करा। तो 2, 3 आपके पास ये वाला वर्टिसेस आ गया, इस ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस आ गए, माइनस वन जीरो, 2, 3 और 4, 0। पहली बात आपको समझ आए। उसने कहा था इसको शेड कर दो, तो अपने इस वाले पोर्शन को यहां पर क्या कर दो, शेड कर दो, और यही आपका यहां पर आंसर है। तो बस यही करना था क्वेश्चन नंबर 7 में, ग्राफ बनाना हमें आता है सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। उम्मीद करता हूं एक्स और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल के आपको समझ आ चुका होगा। बाकी शेड करना तो कोई नई चीज तो नहीं थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका फिनिश, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.2 खत्म होती है। जैसी भी लगी कमेंट में बताओ। बाकी कल मिलते हैं जहां पर हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के ऊपर बात करेंगे। पढ़ते रहिए। ओके बाय।